तेरा तू आ तुझ में बिताऊं रतिया। अगर आपको भी इंट्रो के साथ एस्थेटिक लिरिक्स स्टेटस वाला वीडियो एडिटिंग करना है तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा वीडियो ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक फोटो को ऐड करना है। ठीक है, कपल वाले फोटो मेरा ऐड हो चुका है, तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद अब क्या करना है, सबसे पहले इस फोटो का रेशियो 9:16 वाले रेशियो में सेट करना है। उसके लिए कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे मिलेगा बहुत सारा रेशियो, तो आपको 9:16 वाले रेशियो के ऊपर क्लिक करना है, डन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो के ऊपर क्लिक करना है, ये फोटो को जूम कर लेना है फुल स्क्रीन पर। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये फोटो को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मिलेगा फिल्टर वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले लाइटनेस को हल्का सा घटाना है, फोटो के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को -50 कर लेना है। तो देख सकते हो आफ्टर एंड बिफोर, तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अगेन आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वीडियो को स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे अब आपको सॉन्ग ऐड करना है, जो भी आपको सॉन्ग को वीडियो क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा म्यूजिक वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। म्यूजिक प्लस माय म्यूजिक को जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पे ऐड हो चुका है, उसको डन के ऊपर क्लिक करना है। एंड सॉन्ग का ड्यूरेशन जितना रहेगा उतना आपको ये फोटो का भी ड्यूरेशन को कर लेना है। ठीक है, ये देख सकते हो। इतना करने के बाद अब क्या करना, वीडियो को स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे अब आपको वीडियो में लिरिक्स लिखना है। तो उससे पहले यहाँ पे सॉन्ग में बीट मार्क ऐड कर लेता हूँ। तो सॉन्ग के ऊपर क्लिक करना है, मतलब म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मिलेगा सॉन्ग, इसमें क्लिक करना है। ऊपर मिलेगा बहुत सारा टूल्स, थोड़ा सा स्लाइड करना है। यहाँ पे मिलेगा बीट वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड आपको सॉन्ग को स्टार्टिंग से सुनना है एंड लिरिक्स के अकॉर्डिंग बीट मार्क ऐड करना है। ठीक है, तो देख सकते हो मैं यहाँ पर सॉन्ग में बीट मार्क ऐड कर लिया हूँ। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है, अगेन आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिरिक्स लिखना है, तो उसके लिए वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। यहाँ पर मिलेगा टी वाला ऑप्शन, टेक्स्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। टी प्लस एंड सॉन्ग का जो लिरिक्स आपको लिख लेना है सुनकर, तो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप में लिख कर रखा हूँ, ये देख सकते हो, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हाइट को सिलेक्ट कर लेना कलर, एंड बॉर्डर में जाना है, ब्लैक बॉर्डर ऐड कर लेना है, एंड ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेना है। इतना करना है, उसके बाद शेडो में जाना है, ब्लैक शेडो ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डबल ए के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दो फॉन्ट मिलेगा, देख सकते हो, सोल सिग्नेचर एंड फोटोग्राफी सिग्नेचर, दोनों फॉन्ट मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सोल सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे साइज में जाना है एंड साइज को कम कर लेना है। ठीक है, 10 या फिर 15 कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन में जाना है, और बहुत सारा आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिक में देख सकते हैं यहाँ पे जूम इन वाला जो एनिमेशन है इसको सेलेक्ट कर लेना है, एंड इसका टाइम ड्यूरेशन एकदम फुल। एंड नीचे मिलेगा बहुत सारा आपको एनिमेशन और भी न्यू, तो आपको जो भी एनिमेशन पसंद है वो एनिमेशन को ऐड कर सकते हो, ये देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये जूम इन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको डन के ऊपर क्लिक करना है। एंड पहला जो बीट है यहाँ तक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे का लिरिक्स लिखना है, तो इसी को आपको डुप्लीकेट करना है, आगे चल जाएगा। उसके बाद बीट के अकॉर्डिंग इसका ड्यूरेशन को सेट कर लेना है। ठीक है, एंड एडिट वाला ऑप्शन जाना है, पूरा लिरिक्स को कट कर लेना है, एंड आगे का जो लिरिक्स है आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये देख सकते हो, उसके बाद डन। फिर से आपको डुप्लीकेट आगे चल जाएगा लिरिक्स, एंड फोटो का ड्यूरेशन जितना रहेगा उतना आपको ये लिरिक्स का भी ड्यूरेशन को कर लेना है। उसके बाद एडिट वाला ऑप्शन में जाना है एंड कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब क्या करना है, आपको अगर यूजर नेम या फिर कुछ भी लिखना है तो यहाँ पर टी प्लस के ऊपर क्लिक करना है, यूजर नेम लिखना है यहाँ पे अपना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल ए के ऊपर क्लिक करना है, फॉन्ट आपको कोई सिंपल सा फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद साइज को एकदम कम करना है। ठीक है, एंड नीचे यहाँ पे कर लेना है सेट, एंड इसका ड्यूरेशन वीडियो को लास्ट तक कर लेना है। उसको यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस फाइनली मेरे इंट्रो के साथ कंप्लीट वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो को बना सकते हो, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। एंड वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर मिलेगा सेव ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है।